Former Commonwealth Games bronze medalist Pinki Jangra, who registered a unanimous victory over Mongolia's Jargalan Ochirbat in the 51 kilo category, wants to carry the momentum forward to the 2018 Commonwealth Games. First of all, thank you so much. और सबका आप लोगों का सपोर्ट था. हाँ, फर्स्ट राउंड में मैं थोड़ा सा मतलब काउंटर खेल रही थी, बट जैसे ही मैं सेकेंड में गई और जब कोचिज ने बोला कि अभी बाउट को पकड़ना है, अपने फेवर में लेना है, और जो तेरा गेम है पूरा ऑल आउट जो अग्रेशन के साथ वो खेलती है, वैसे ही खेल. और मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और बाउट को अपने बाले में किया. हाँ जी बिल्कुल, अभी लास्ट कॉमनवेल्थ के बाद जो अब गोल्ड क्रॉस में हो रहा है और उसी की तैयारियां चल रही थी, वही मेन फोकस था मेरा. और ये जो साल का स्टार्टिंग हुई है एक गोल्ड मेडल के साथ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और अपने होम ग्राउंड में खेल के तो और भी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है. और अब जो कॉमनवेल्थ की तैयारी करनी है, जो 2 महीने बचे हैं हमारे पास, तो वो पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ रहेगी. और जो यहाँ प्रदर्शन रहा है, जो यहाँ से हमने पूरा अपनी प्लानिंग की है, कैसे अपने आप को तैयार करना है फाइट्स के लिए, वो सब वहाँ अब काम आने वाला है. तो ये जो बूस्ट था बहुत ज़रूरी था बॉक्सर्स के लिए, और BFI ने इस चीज़ को लाया और अपने पहली बार इंडिया ने होस्ट किया ऐसा टूर्नामेंट, जो बहुत ज़रूरी है. और जिससे हमें जो मेन टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, जो रिसेंटली कॉमनवेल्थ आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा ये टूर्नामेंट.